हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो फाइनली महिंद्रा ने अपना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दिया है भाई। स्कॉर्पियो एन की भसड़ के बाद गाड़ियां मिल भी नहीं रही है और कंपनी लॉन्च करी जा रही है, जो कि अब कर दी है एक्सयूवी 400। अब जो है भाई, पहले करते हैं बुकिंग की बात। बुकिंग होगी 26 जनवरी से स्टार्ट, एंड जो डिलीवरीज स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है अप्रोक्स दिवाली के आसपास स्टार्ट हो सकती हैं डिलीवरीज इसकी। तो अभी इस गाड़ी को दिखाता हूँ भाई कैसी है। जो इसके कंपटीशन में गाड़ियाँ हैं वो भाई टाटा की नेक्सॉन जो ईवी आती है मैक्स वाली, एंड टिगोर भी हम कह सकते हैं, बट वो सेडान है। एंड इसके अंदर ना महिंद्रा की एक और आवे बरिटो, पहले एंजॉय करते हैं, पर वो ही आवे तो अभी है, पर वो कमर्शियल में ज्यादा चल रही है। हां इसमें तो मतलब आने महिंद्रा के पहले प्रोडक्ट लगा सके जो कि ईवी में निकाल दिया नेक्सॉन की मां वाइंड करने के लिए, एमजी जेड एसयूवी की मां वाइंड करने के लिए। मारुति के पास कुछ है ही नहीं, हुंडई के पास है, पर वो ये तो उसका रेट थोड़ा चला जाता है। हुंडई की तरफ फिर भी लोग कम जा रहे हैं, टाटा वाटा की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अब टाटा महिंद्रा में एसयूवी, हां टाटा कंपैरिजन में जो एसयूवी 400 आई है ना, पर एक सबसे ज्यादा मेन बात की गाड़ी नो डाउट भाई बहुत ही प्यारी लग रही है। बस एक डिलीवरी जो टाइम से होगी ना जल्दी जल्दी, जैसे जो पहली एक्सयूवी 300 आई करती उसके अंदर की थी, कमी थी वह कमी की थी उसके अंदर बूट रहा था सब 4 मीटर में, जैसे तो भाई जो इसकी टेल लाइट आप देख रहे हो ना, पहले वाली जो एक्सयूवी 300 आती थी ना उससे काफी बड़ी लग रही है, और डिजाइन भी क्लियर क्लियर और बहुत प्यारी लग रही है। टायर्स जो देख रहे हो भाई पूरी गाड़ी ना डुअल टोन के अंदर है, ये गोल्डन एंड वाइट ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश भी यूज़ करा गया है। जैसे आप टायर्स पे देखोगे यहाँ पर भाई गोल्डन यूज़ कर दिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, नीचे की तरफ गोल्डन यूज़ कर दिया तो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोगों ने थोड़ा ऐसा लग रहा है 3D, हाँ 3D में लोगो है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है चिपका रखे बट 3D में दे रखे। हाँ अब देख इसमें मेन चीज़ क्या है, मोटर तो भाई दोनों के अंदर सेम आओगी, जो कि अपनी पावर प्रोड्यूस करेगी 147 BHP और 310 का टॉर्क है, बट जो बैटरी का है ना उसके अंदर डिफरेंस आओगा। इसके अंदर है अपनी बैटरी 39.4 किलोवाट आवर वाली, और जो बैटरी की प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ की गई है, ये देखो नीचे से ये दिख रही है। और जो कम पावर वाली आओगी ना वह है 34.5 किलोवाट आवर वाली है। रेंज का डिफरेंस है इस दोनों में, और रेंज में भी ज़्यादा डिफरेंस है। जो नीचे वाली है ना उसके अंदर है 375 की, और जो ऊपर वाली है उसके अंदर है 456 किलोमीटर की रेंज है। और ARI वाली है या ऐसी नहीं कि जो मेन रेंज है बिल्कुल एग्जैक्टली वाली है, इसके अंदर तो 100 किलोमीटर तो सीधे सीधे लेस कर दी। अंदर चला जा, अंदर आ जा, ORVM कुछ इस तरीके के मिलेंगे, आप अंदर से दिखाता हूँ भाई। देखो चार्जिंग के लिए ना यहाँ पे दिया गया है दोनों का, एक बार खोल के दिखाते हैं जी को, चार्जिंग का खोलिए, चार्जिंग का खोल, चार्जिंग का और दिखाते हैं। देखो ये रहे चार्जिंग के लिए इसके यहाँ पे दिए गए हैं। अब चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर से दिखाता हूँ, बैठ उस तरफ से अंदर की तरफ भाई। सबसे प्यारी जो इसकी चीज़ लग रही है ना वो है इसका गियर, तो भाई गियर काफी प्यारा लग रहा है इसका मेरे को, और डिजाइन जो दे रखा है वो बहुत ही प्यारा दे रखा है। और बाकी थ्रीडो लुक कट कर दी इसमें चीज, पूछ क्या पूछ क्या, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल कट, बैटरी भी तो लगाई, बैटरी क्या लगाई, क्रूज कंट्रोल कट, बैटरी भी तो लगाई रेट भी तो ले लिया रेट भी तो ले लिया, रेटिंग ना लिया हो 31.5 लाख ले रहे यार, क्रूज कंट्रोल नहीं। और भाई ये आपको ये कवर नहीं लगा हुआ है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील बढ़िया लग रहा है, इंटीरियर आपको वैसे ही लगेगा। इंप्रूवमेंट की मेजर जरूरत थी यार इस गाड़ी में, हर वीडियो में कहूँ ये चीज की मेजर जरूरत। अरे भाई सुन लो महिंद्रा वालों इस गाड़ी की, एक चीज देख महिंद्रा तो मेरी कहानी सुनेगी, अब एक चीज महिंद्रा तेरी ना तेरी गाड़ी पूरा बढ़िया है, देखे इसको पूरा बढ़िया विजिबिलिटी है, पर साली ये वाला पार्ट है ना एक्चुअली 3W में दिक्कत थी, 400 में भी दिक्कत है, या की है ये साली ऊपर है यार, यह चीज नीचे रहती ना तो गाड़ी के अंदर तो बढ़िया कमांडिंग सी पोजीशन, बढ़िया सी विजिबिलिटी आवे, पर यह चीज इंप्रूवमेंट ना कर रखी, या तो मुनीम नोट करी तो यह चीज देख। हाँ, और बाकी ये भाई ये देखो स्पीकर की प्लेसमेंट ऊपर की तरफ दी गई है, ये क्रोम के नहीं दिए भाई, ये भी गोल्डन कर देते तो क्या घस जाता यार कंपनी। पर गियर नो गियर सेलेक्टर देखिए ना बढ़िया है, गियर नो बढ़िया है भाई, गियर तो आवे ना बस न्यूट्रल पार्किंग वार्किंग लोड लाड मोड में लगा इसका। और भाई ये कोक आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी, कोई पीके छोड़ गया, बाकी आधा आधा लीटर की दे रखी है। हाँ ये इतनी छोटी छोटी ही आएगी, देखो ये रखने के लिए। अब एक चीज देख 180 की टॉप स्पीड दे रखी है, क्या मतलब टाटा की तरह इसकी स्पीड बांध रखी है, टाटा में 140 की स्पीड बांध दे इसका, पता चलेगा। हॉर्न सुनी तू जा, ड्यूल दे रखा पों पों ना दिया भाई,
और भाई एक और चीज है यार, नेक्सोन ले ले वे सकते हूँ, उसके अंदर सनरूफ अच्छी सी आवे, पर भाई इसकी सनरूफ कसम दे लाजवाब है, सेगमेंट में सब द बेस्ट है। XUV 3.0 ने कंपेयर करेगा ना तू, सोनेट नेक्सोन ब्रिजा सब तो बढ़िया सनरूफ इसकी है। पीछे से देखो भाई, पीछे से ऐसे देखो, हाइट वाइट तो मैं दिखाऊंगा नहीं जाके मैं बैठता हूं। अरे कंफर्ट है यार, कंफर्ट दिख रही है, जगह है उसमें, स्पेस है गाड़ी में। ये आपको सॉफ्ट टच के अंदर मिलेगा, सीट जो है ना ब्लैक के अंदर, और उस पर जो स्टिचेस दी गई ना स्काई ब्लू कलर की दी है, तो काफी अच्छी लग रही है। पीछे की तरफ भी आपको रीडिंग लैंप मिल जाएगा, और एयरबैग्स इसके अंदर 6 दिए गए हैं, दे रखे हैं टॉप एंड में सिर्फ हैलोजन बल्ब के साथ आपको इसमें ये एक चीज और है, एक चीज और बताऊं देखो इसमें, अगर जैसे मान ले मेरा, मैं लेना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो भाई मैं नेक्सोन और मेरे पास ये दो चॉइस रख दे, सीधी सीधी लैक में लूंगा। रीजन फिट फिनिश और फिट फिनिश बेकार है, पर एक चीज में फिट फिनिश में बढ़िया, पर बाकी कमांडिंग थोड़ी सी ऊंची ऊंची सी है, ऊंची होगी पर या चौड़ी फील हो जाए। हाँ यार फील चौड़ी है, कैबिन अच्छा सा लग रहा है, पर ये चीज तो थोड़ी सी माटी प्लीत हो जाए इसकी, बाकी मैं लूंगा ही आई, पर बाहर तो भाई पीछा की लुक जो है ना, आई बात तो पूरी सुन, लूंगा ही आई, पर महिंद्रा देगी नहीं, मिलेगी नहीं महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लॉन्च पर लॉन्च करे जाएंगे, ध्यान रखना ये चीज नहीं मिलेगी। तो ये देख लो भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड गियर पे जो लाइट जल रही है ना भाई, स्वाद आ गया देख के, तो काफी अच्छी लग रही है भाई, मजा आ गया देख के गाड़ी को। तो साइड में आपको भाई बोतल करने के लिए होल्डर मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगा। अब ये देखो आगे से और दिखाता हूँ फ्रंट इसका, फ्रंट आपको फोग लाइट्स नहीं दी गई है, ये हेडलाइट कुछ इस तरीके की दी गई है। फ्रंट देखोगे ना फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाए, इसमें कट है, बैटरी तो लगा दी। तो ये देखो भाई आगे की तरफ रेडिएटर ग्रिल वगैरह तो दी नहीं गई है भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो पूरा जो बम्पर है ना ये पूरा एक ही है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कटपट मार रखा हो, पूरा एक ही बम्पर दिया गया है। यहाँ पर एक्स बनाने की कोशिश की गई, ये बनाया नहीं, यहाँ पे ही लगा दिया। तो ये चीज़ है भाई काफ़ी अच्छी लग रही है ये गाड़ी, की देखोगे ऐसी आती है सारी ही गाड़ियों की, महिंद्रा की कुछ इसी तरीके की देती है। तो ठीक है, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर एंड बाय बाय।